मेहर माह हेलो हेलो समरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझे कैसे कॉल कर ली? अरे बहुत दिन हो गए थे, तुमसे बात नहीं हुई और अब तो खैर से तुम कंपनी डायरेक्टर बन गई हो तो मुबारकबाद तो बनती है। थैंक्स। और बताओ क्या हो रहा है आजकल? मैं आजकल एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। गुड यार। अच्छा एक बात बताओ, ये रूही का क्या सीन है? सुना है बीजा ने उसे गोद ले लिया, लीगली अडॉप्ट कर लिया। हाँ ऐसा ही कुछ है। सच्ची बात है यार, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि ये रूही कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है। तुम ना अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। कहती तुम ठीक हो। चलो मैं चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास, आजकल तो मैं इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा हूँ। अच्छा चक्कर लगाओ फिर देखते हैं। ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। हेलो। वैसे इस तरह की अचानक मुलाकातें हफ्ते में एक दो बार हो जाएं तो शायद हमारी मनमी जंग लगने से बच जाए। और ये अचानक मुलाकात कैसे हो गई? लेट मी करेक्ट यू, आई कॉल्ड यू, मैंने टाइम सेट किया एंड देन वी मेट। और आपकी इस अचानक मुलाकात के लिए मुझे 2 मीटिंग्स पोस्टपोन करना पड़ी हैं, सो व्हाई डोंट वी कॉल दिस अ डे? रोहिल तुम जानते हो ना कि मेरे डैड कैंसर के किस स्टेज पे है, जानते हैं। फिर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन भी होनी है, हॉस्पिटल की मशीनरी स्टॉक हुई है, तुम सारे प्रॉब्लम्स जानते हो। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स का जज्बात से कुछ खास ताल्लुक नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता? होता है। कि डॉक्टर्स इंसान नहीं होते, डॉक्टर सिर्फ इजहार नहीं कर पाते। ऑनेस्टली मैं तो बस सोचता ही रहता हूँ कि किसी वक्त रैंडमली तुम कॉल करोगी मुझे। वेल जब मैं हॉस्पिटल से घर जाती हूँ ना, मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि खाना खाए बगैर सो जाती हूँ। तो अगर शादी के बाद भी यही रूटीन रही तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? शादी के बाद तो रोमांस वैसे किल हो जाता है। वाह, तो फिर शादी से पहले भी नहीं है रोमांस, शादी के बाद भी नहीं होगा, तो सिर्फ मंगनी ना चलने दें फिर। तुम कुछ ज्यादा ही मूड में नहीं हो आज? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे फैमिली का बहुत प्रेशर है, सब उठते बैठते मुझसे यही पूछते हैं कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। तो कर लो ना शादी, किसने मना किया तुम्हें? ओके नाउ दैट वाज अ बैड जोक। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ड्रीम्स ना पूरे करूँ, अपने बाप को छोड़ दूँ क्योंकि जनाब को शादी करनी है। Do not start with me, रमशा, okay? I respect your ambition. मैं चाहता हूँ तुम्हारा हॉस्पिटल बने, but I hope you realize कि हमारी मंगनी को बहुत असर हो चुका है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो कर लो ना शादी, लड़की तुम्हारे घर में मौजूद है, नहीं लाइक हर, और तुम्हें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। किस्सा खत्म कर दो ना आज इसी वक्त। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं अम्मी कहाँ हैं? ये अच्छा सवाल है। अम्मी तुम्हारी बाजार गई हैं, रूही स्कूल गई है, समरीन और रूहेल जो है वो ऑफिस गए हैं, हीरा जो थी वो अभी हमारे पास थी, उसे शायदा लेकर गई है। इतनी तफसील काफ़ी है। अब्बू आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खुश रखे। बात दरअसल ये है बेटा कि हम रिटायर्ड लोगों के पास ना खुश रहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, तुम कैसी हो? जमशेद मियाँ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अबू, और जमशेद भी ठीक है। अबू आपको पता तो है जमशेद का, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की बजाय सिर्फ शॉर्टकट्स तलाश करता रहता है। अभी भी वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप के लिए भाग दौड़ कर रहा है, जिसके लिए उसको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। अबू मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि मैं रोहेल भाई से बात करूं। बेटा, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रोहेल मियाँ तुम्हारी वजह से जमशेद मियाँ की मदद करते रहते हैं, और उसको भी पता है कि रोहेल की नज़र में तुम क्या हो, तुम्हारी क्या अहमियत है। इसी बात का वो फ़ायदा उठाते। अब्बू, मैंने जमशेद को खुद किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, वो तो मैं अपने साले से ले लूँगा, और कह रहा था कि मैंने कौन सा उसको वापस करनी है। अब्बू, वो हंस रहा था और मुझे देखकर उसने बात बदल दी। अब्बू, आप रोहेल भाई को समझाएं प्लीज़। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूही, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। शमो, तुम्हें जॉब की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। अरे नहीं, तुम आओ हमारे साथ बैठो। अब अरे भाई, ये कहाँ करेंगी कोई काम? नौकरी से थकी आई हैं। आप तशरीफ रखिए, आराम कीजिए। मैं हेरा को देख कर आती हूँ। ठीक है, बैठो। मैं आज बेदा बेगम, मशकूर मियाँ का राम पूरियों पे किया हुआ तजिया कभी कभार 100% दुरुस्त साबित होता है। अरे बड़े भैया, इलाहाबादियों के लगाए हुए जख्म दिलों पर अभी तक याद है हमें। बात करेंगे तो दूर तक जाएगी, छोड़िए इन बातों। और बताओ शम्मू, कैसी है? मैं ठीक हूँ चची। बहुत अच्छा कलर पहना हुआ जच रहा है तुम पर, बहुत प्यारी लग रही है। और बताएं अब्बू, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम बेटा। पता नहीं क्या हो गया उसे, इतनी बिटर तो वो पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन अम्मी, इतना बेबुनियाद इल्जाम, मैं तो हैरान ही रह गया। चुप हो जाता है। वो दिन रात काम करती है, कभी कभी इधर का स्ट्रेस उधर निकल ही जाता। बिल्कुल हो जाता है अम्मी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन रूही कहाँ से आगे बीच? अच्छा, आप परेशान ना हो, हम उनसे खुद बात कर लेंगे, मुनासिब वक्त देखकर कर लेंगे। ठीक है? मेहर माँ।